नमस्कार। अधिवक्ता परिषद हरियाणा द्वारा प्रस्तुत मंथली स्टडी सर्कल में जुड़ने के लिए मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 1 नवंबर 2020 इस दिन हरियाणा वासियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आज हरियाणा के सभी व्यूअर्स का हरियाणा दिवस के इस उपलक्ष्य में मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज का हमारा स्टडी सर्कल का जो टॉपिक है वो है फार्मर्स एक्ट ऑफ 2020। इस विषय की इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपके समक्ष कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये फार्मर्स एक्ट माफी चाहूंगा, ब्रिटिश रूल के दौरान भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मेनली सभी को इन टैक्सेस के लिए ही अपना रूल किया और बहुत सारे टैक्सेस एग्रीकल्चर सिस्टम पे लगाए। हालांकि पोस्ट इंडिपेंडेंस देवर मेनी reforms which the Indian government has taken and due to which our agriculture sector has grown drastically. अभी हमारे agriculture sector में बहुत सारे reforms after independence आए हैं, जैसे कि abolition of जमींदारी, tenancy reforms, consolidation of land holding, ceiling of land holding act which has put a ceiling on the land holdings approximately 18 acres in a person's hand, state agriculture produce market committee act which has been implemented across India in various states in 1961, which has the major market committee yards in across states in India. Then after that there was an introduction of minimum support price in the year 1965 by constituting a commission of agriculture cost and price which is working under the aegis of central government and mainly the agriculture ministry. Iske sath hi kisan credit card ki bhi ek reform ke roop mein aaya jisme kisanon ko bank dwara credit diya jata tha ताकि वो अपनी फसलें की उपजाय कर सके। देन नेशनल रिफॉर्म पॉलिसी रिगार्डिंग ट्राइबल्स प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर एसेंशियल्स ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, सीड्स, फार्म इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये भी कुछ लैंड रिफॉर्म्स में ही हमारी गवर्नमेंट्स ने योगदान किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और सोयल हेल्थ कार्ड, ये भी कुछ ऐसी रिफॉर्म्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्सिफाइड, हैज अ वेरी गुड डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स। इंडिया में ना सिर्फ वीट, राइस या शुगर केन से रिलेटेड ही नहीं बल्कि बार्ली, ऑयल सीड्स लाइक सनफ्लावर, पोटैटोज, पल्सेस, नॉन फूड आइटम्स जैसे कि कॉटन, टी, रबर, जूट, इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत होती है। इंडिया इज वन ऑफ द जाइंट इन फिशरीज एंड डेयरी फार्मिंग। इस सब के बावजूद एग्रीकल्चर जो सिस्टम रहा वो इंडिया में इतना कारगर नहीं रहा,
58 to 60% of Indian population is dependent on agriculture, and ek tihai Indian economy accounts for agriculture. However, it is considered that due to highly inefficient, wasteful, and incapable in solving the problems relating to agriculture, and due to which approximately 1/5 of the total agriculture output is lost due to the inefficiencies in harvesting, transport, storage of government subsidized crops. And I'll take you to the next slide, which has taken, we have determined some reasons of distress of farmers. आप अगर देखें तो हमारा सबसे पहला जो reason है, that is small land holdings. 86% farmers के पास 4 hectare से कम है, और इन farmers में से 68% farmers are holding less than 2 hectares of land. Indebtedness, lack of basic infrastructure, that is warehousing, cold storage, and transportation, etc. These are few of the reasons under which, due to which our farmers are in distress. The last two are 6 to 8% getting minimum support price for their produce in India. Even after Government of India providing for minimum support price, the number are very less. Lack for alternate market and private investment. Apart from this, आज की डेट में हम हमारे आज हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आज हम फार्मर्स एक्ट 2020 को डिस्कस कर सकें. हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दो नए एक्ट्स और एक एक्ट में अमेंडमेंट लाकर फार्मर्स एक्ट लाए गए. मैं पहले दो इनएक्टमेंट्स जो बताऊंगा वो बिल्कुल न्यू इनएक्टमेंट्स हैं, और फिर हम उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड रीजंस बताएंगे. फर्स्ट इज द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020. द सेकेंड एक्ट इज रिलेटेड टू द फार्मर्स प्रोड्यूस Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. And the third act, which is an amendment act, it's called the Essential Commodities Amendment Act 2020, which has brought in some amendments in the provisions of the Essential Commodities Act 1955. Now, going into the what are the aims and objects of these acts, mainly are that it intend to increase the income of the farmers, to develop infrastructure in the agriculture sector, rural employment ko generate karna, agriculture export ko boost dena, as well as contract farming ko promote or enable karna, to transform from traditional practices to the technical farming practices, to promote diversification of crops. Like in Punjab and Haryana, mainly wheat and paddy is grown, and we are having a great surplus of these two products. However, due to deficiency of edible oil and other crops, about $600 million are imported. Agriculture products are imported every year to promote standard and safe agriculture produce. So these are the main acts and reasons, the objectives and reasons by these two acts which have been made by the parliament, due to which they are enabling the contract farming. Now to take you to the further steps, I would like to request Shri Ashok Kumar Kubar sir, who is an advocate from the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, and also a farmer as well, who will give you a detailed step-by-step of the two acts, so that hum is act ko acche se samajh sake. Over to you, sir. Thank you, Dikji. First of all, I would like to thank
मुकेश गर्ग जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, रणबीर सिंह खरकाले जी, प्रेसिडेंट हरियाणा अधिवक्ता परिषद, एंड रविंदर बुधवार जी, हु हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द मंथली स्टडी सर्कल थ्रू एंड गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन द टू फार्मर्स बिल्स इनएक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो द फर्स्ट एक्ट विच हैज बीन एक्टेड इज रिटेलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग विच डील्स टू हाउ द farming agreements regarding the crop can be executed. The first crop is the first act is the farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm service act. ye act farming agreements ko ek national framework deta hai jo hamare farmers ko empower karta hai aur protect karta hai ki wo ek mutual agreed price pe aur ek fair and transparent manner mein apna jo farming produce hai वो एक्सपोर्टर्स को बिग रिटेलर्स को बेच सके. इसमें बेसिकली चार चैप्टर्स हैं. जो फर्स्ट चैप्टर तो डेफिनेशंस को डील करता है, सेकंड फार्मिंग एग्रीमेंट्स को, तीसरा चैप्टर डील करता है डिस्प्यूट सेटलमेंट को, इन केस देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द फार्मर एंड द स्पॉन्सर और इट इज गोइंग टू बी सेटल. मेन डेफिनेशंस जो एक सबको जाननी चाहिए कि भी क्या मेन डेफिनेशन हैं, किस किस चीज में क्या फॉल करता है. ये बेसिकली डिफाइन की गई है सेक्शन 2 में, फार्म सर्विसेज, फार्म एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, स्पॉन्सर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स. ये सब एक्ट में जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि भी इसके बारे में जान लिया जाए कि भी कौन कौन है. फार्म सर्विस प्रोवाइडर वो है जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फार्मर को और मीडिएटर बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द फार्मर. फार्म एग्रीमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस फ्रेम करी है कि एक जो फार्मिंग एग्रीमेंट होंगे इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा. इससे पहले भी एग्रीमेंट्स होते रहे हैं पर ओरल एग्रीमेंट्स होते रहे हैं. गांव में जमीन लोग ठेके पे लेते थे या लीज पे देते थे तो उसमें कोई रिटन डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं करते थे. इस एप्रिहेंशन से खसरा करतौरी चेंज होगी. इसमें क्या है कि भी रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए. जो फार्मिंग एग्रीमेंट होगा इट शुड बी अ रिटन डॉक्यूमेंट, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है. सरकार ने गाइडलाइन जो फ्रेम करी है उसके मुताबिक ये जो एग्रीमेंट है इट शुड बी इन अ वेरी सिंपल क्लियर और लोकल लैंग्वेज. अगर पंजाब के फार्मर के साथ कोई स्पॉन्सर एग्रीमेंट कर रहा है तो पंजाबी में होना चाहिए. हरियाणा में, यूपी में, बिहार में अगर कोई एग्रीमेंट कर रहा है किसी किसान के साथ तो देट शुड बी इन दी इन हिंदी. अगर कोई महाराष्ट्र में कोई स्पॉन्सर कर रहा है मराठी में, बंगाल में कर रहा है तो बंगाली में. तो वो एक मैंडेटरी है कि भाई एक लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि किसान को उसके बारे में कोई डाउट्स ना रहे और वो अच्छी तरह से समझ सके कि भी उस एग्रीमेंट में उन्होंने क्या लिखा है, उसको क्या चाहिए. ये जो फार्मिंग एग्रीमेंट बनेगा ये फार्मर और स्पॉन्सर की डिस्कशन के बाद बनेगा. ये नहीं है कि स्पॉन्सर पहले टाइप करके ले आएगा और उस फार्मर के साइन करा लेगा. इट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द डिस्कशन ऑफ बोथ दिस फार्मर्स. जो फार्मर को लगे कि भी उसके हक में चीजें होनी चाहिए एग्रीमेंट के अंदर, जो वो चाहता है कि इनकॉर्पोरेट हो वो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकता है. ये भी मैंडेटरी है कि बिफोर फार्मर साइंस वो किसी से पढ़वा सकता है. अगर फार्मर को नहीं पढ़ना आता है तो वो लीगल एडवाइस ले सकता है किसी से, एक्सपर्ट से, किसी फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से या एडवोकेट से. एक और बड़ी जरूरी चीज है कि जो फार्मिंग एग्रीमेंट है वो सीजन शुरू होने से पहले फाइनलाइज हो जाना चाहिए. ये ना हो कि भी सीजन शुरू हो गया और एग्रीमेंट ही फाइनलाइज नहीं हुआ. तो ये मैंडेटरी है कि सीजन शुरू होने से पहले, जैसे पैडी की वीट की सोइंग अभी शुरू कई जगह हो चुकी है, अभी आगे होनी है, तो इससे पहले ही एग्रीमेंट सारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाने चाहिए और एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाना चाहिए ताकि किसान को, फार्मर को ये मालूम हो कि उन्होंने कैसा प्रोड्यूस, फार्मिंग प्रोड्यूस ग्रो करना है और उसको क्या उसका प्राइस मिलेगा जब वो कल्टीवेट होके स्पॉन्सर के पास जाएगा. उसमें फार्मिंग एग्रीमेंट में हर तरह की डिटेल होनी चाहिए. उसमें डिटेल रिगार्डिंग की भी, वो किस खसरा नंबर को पटेन करता है, खेवट नंबर, किस जमीन पे वो फार्मिंग एग्रीमेंट है, खेवट नंबर, खसरा नंबर, गाँव का नाम, हदबस्त नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि भी किस क्रॉप का वो एग्रीमेंट हुआ है और किस
कौन सी क्रॉप उसको डिस्प्यूट ना रहे बाद में आइडेंटिफिकेशन के लिए कि भी ये जो एग्रीमेंट है ये कौन सी जमीन का है कौन सी क्रॉप का है। तो इसलिए लैंड के सारे डिटेल्स क्लियर डिटेल्स उस एग्रीमेंट में होनी चाहिए। उस एग्रीमेंट में स्पॉन्सर का और जो फार्मर है उनका भी कंप्लीट एड्रेस पेरेंटेज कंप्लीट होना चाहिए ताकि जब फार्मर स्पॉन्सर के को फार्म प्रोड्यूस अपना सप्लाई करे ऐसा ना हो स्पॉन्सर का मालूम ही ना हो कि स्पॉन्सर कहाँ गया उसको लोकेट करने में दिक्कत ना आए, इसलिए उसकी सारी डिटेल्स एग्रीमेंट में पहले से ही होनी चाहिए। सेक्शन 3 प्रोवाइड कराता है कि भी हमारा एग्रीमेंट में फार्मर और स्पॉन्सर उसमें क्या क्या कंडीशंस डाल सकते हैं। वो कंसेंट से अपनी मर्जी से स्पॉन्सर जो उनको ठीक लगे, जैसे पैडी के सीजन में क्या मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि भी किस टाइम वो सप्लाई करेंगे जो फार्म प्रोड्यूस तैयार होगा। उन्होंने अगर अर्ली वैरायटी लगाई है जैसे सितंबर में फर्स्ट वीक में सितंबर में आ जाती है, 15 सितंबर है, 1 अक्टूबर है या 30 अक्टूबर है, उसी हिसाब से उसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि भी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में फार्मर और स्पॉन्सर किस ग्रेड किस क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की वो वीट लगाना या पैडी लगाना चाहेंगे या फार्मिंग प्रोड्यूस उगाना चाहेंगे तो उसमें क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्कशन के बाद मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी वैरायटी उगाएंगे किस स्टैंडर्ड की उगाएंगे ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसमें प्राइस के बारे में भी स्पेसिफिकली दिया गया है एक सेक्शन 3 में कि भी प्राइस भी पहले ही प्री डिटरमिन हो जाएगा एग्रीमेंट के अंदर, प्राइस मेंशन करना पड़ेगा कि भी किस प्राइस में जब फार्मिंग प्रोड्यूस तैयार हो जाएगी स्पॉन्सर किस प्राइस में फार्मिंग प्रोड्यूस को फार्म स्पॉन्सर खरीदेगा। इट कैन बी किस उस पर खरीदेगा। उसमें अगर फार्म सर्विसेज के बारे में उसमें एग्रीमेंट में ये भी हो सकता है कि भी फार्म सर्विसेज जैसे कि कोई टेक्निकल एडवाइस है या सीड्स है या पेस्टिसाइड्स है वो फार्मर खुद परचेज करेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पॉन्सर की होगी कि वो सप्लाई करेगा। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर की है कि उसने टेक्निकल एडवाइस फार्मर को सप्लाई करनी है, इंसेक्टिसाइड फार्मर को सप्लाई करनी है या सीड्स उसने सप्लाई करनी है तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस में एग्जैक्ट स्पेसिफिकली तौर पे मेंशन होगी कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो स्पॉन्सर ने प्रोवाइड करानी है और वो किस टाइम करानी है। सपोज कोई स्प्रे है या कोई पेस्टिसाइड बीमारी कोई फसल में लगी है और किसान उसको जाके बताता है कि ये बीमारी आ गई है तो इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर टू इमीडिएटली कम टू द फील्ड्स एंड गिव द पेस्टिसाइड। सो ये सारा रोल उसका उसमें मेंशन होगा। अगर कोई फार्म सर्विसेज के बारे में कोई लीगल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी हो, मान लो वो सीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं फार्मर को सीड दूंगा या मैं इंसेक्टिसाइड दूंगा या पेस्टिसाइड दूंगा, उसकी कोई लाइसेंस की जरूरत है कोई लीगल रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो वो लीगल रिक्वायरमेंट की पूरी करने की जिम्मेवारी स्पॉन्सर की होगी, उसमें फार्मर का कोई रोल नहीं होगा। इसमें एक और चीज है जैसे गाँव में लोग ठेके पे जमीन देते हैं लीज पे दे देते हैं तो उसमें इस एक्ट में सेक्शन 3 में ये स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि भी कोई भी एग्रीमेंट फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में नो राइट कैन बी एंटर्ड इनटू इन डेरोगेशन ऑफ राइट्स ऑफ अ शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर के इसमें जो जमीन ठेके पे लेगा उसके राइट्स फुली तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी एग्रीमेंट में कोई भी क्लॉज फार्मर या स्पॉन्सर नहीं डाल सकते। एग्रीमेंट में ये भी स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि भी मैंडेटरी है सेक्शन 3 में कि भी जो फार्मिंग एग्रीमेंट है ये कितने समय के लिए होगा। ये एक क्रॉप सीजन के लिए भी हो सकता है, इन केस ऑफ लाइफ स्टॉक जैसे डेयरी है या कुछ और गोट है या पिगरी है उस केस में प्रोडक्शन साइकिल के लिए हो सकता है। और जो मैक्सिमम जो टेन्योर इस एग्रीमेंट का दिया गया है वो है 5 साल, पर म्यूचुअल कंसेंट से इन केस किसी क्रॉप की जो लाइफ प्रोडक्शन साइकिल है वो 5 साल से ज्यादा है, सपोज हॉर्टिकल्चर है या नट्स है या यूकलिप्टस है या पॉपुलर है या और चीजें हैं तो उस इवेंचुअलिटी में विद म्यूचुअल दी टर्म ऑफ दी फार्मिंग एग्रीमेंट कैन एक्सटेंड अप टू 7 years, 7 साल तक हो सकता है। पर अगर क्रॉप की जो प्रोडक्शन साइकिल 5 साल से ज्यादा नहीं है तो एग्रीमेंट 5 साल से एक्सीड नहीं कर सकता। मैक्सिमम लिमिट उसमें 5 साल दी गई है, 5 साल से ज्यादा तभी एक्सीड कर सकता है अगर प्रोडक्शन साइकिल की लाइफ ही 5 साल से ज्यादा है, ओनली इन दैट सर्कमस्टांसेस। इसमें स्पॉन्सर और
फार्मर बाय म्यूचुअल कंसेंट ये डिसाइड कर सकते हैं वो किस क्वालिटी किस ग्रेड की फार्मिंग प्रोड्यूस तैयार करेंगे। सपोज एक पर्टिकुलर फार्मर है जिसकी स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनिक फूड में और एक स्पॉन्सर है एक ऐसे फार्मर्स को ढूंढ रहा है कि भी जो इसकी स्पेशलाइजेशन है, तो वो इकट्ठे होकर डिसाइड कर सकते हैं किस तरह की क्वालिटी ग्रेड और स्टैंडर्ड वो फार्म प्रोड्यूस तैयार करना चाहते हैं। और एक कंडीशन ये मैंडेटरी है कि भी उस फार्मिंग एग्रीमेंट में जो भी वो स्टैंडर्ड क्वालिटी या ग्रेड उसमें स्पेसिफाई करेंगे दो शुड बी कंपेटेबल टू एग्रो इकोनॉमिक्स एंड एग्रो क्लाइमेट क्लाइमेट, यानी कि उस एरिए में जो फसल हो सकती है उस एरिए का जो टेम्परेचर है वेदर है रेनफॉल है उसी के अकॉर्डिंगली ही वो एग्रीमेंट हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि कोई पर्टिकुलर चीज जैसे हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में लोकल उसमें स्ट्रॉबेरी नहीं हो सकती, तो कोई भी स्पॉन्सर स्ट्रॉबेरी का एग्रीमेंट उसके साथ नहीं कर सकता है। अगर किसी ने क्वालिटी या स्टैंडर्ड या ग्रेड जो मेंटेन करना है वो स्पॉन्सर की और फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ये चेक करवा सकते हैं एट द टाइम ऑफ कल्टिवेशन एट द टाइम ऑफ रेयरिंग और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर कोई ये ना हो कि भाई सीड अगर स्पॉन्सर ने प्रोवाइड कराना है और वो उस क्वालिटी का सीड ही नहीं हो और कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट में ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रेड क्वालिटी का फार्मिंग प्रोड्यूस फार्मर ने देना है, तो एट द टाइम ऑफ कल्टिवेशन ऑल्सो इट हैज टू बी सर्टिफाइड कि भी ये जो सीड स्पॉन्सर ने फार्मर को दिया है ये जो जब ये फार्म प्रोड्यूस में तैयार होगा इट विल बी ऑफ द सेम क्वालिटी। तो ये एट द टाइम ऑफ कल्टिवेशन जिस टाइम फसल तैयार हो रही होगी और या जिस टाइम डिलीवरी होगी कल्टिवेशन के बाद, वो तीनों टाइम में उस क्वालिटी को असेस कर सकते हैं सर्टिफाई करा सकते हैं। सर्टिफाई कौन करेगा एट द टाइम ऑफ कल्टिवेशन रेयरिंग और हार्वेस्टिंग, वो सीड सर्टिफाइंग एजेंसी होगी या कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, वो कोई भी जो इंडिपेंडेंट जो एजेंसी है ताकि कोई भी स्पॉन्सर या फार्मर प्रोड्यूस ना हो वो सर्टिफाई करेंगे सीड्स की और जो फार्मिंग प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी ग्रेड और स्टैंडर्ड। सेक्शन 5 जो इस एक्ट का है वो डील करता है प्राइस का, प्राइस की फार्मिंग जो प्रोड्यूस होगा फार्मर का उसका फार्मर को क्या प्राइस होगा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी इशू है क्योंकि फार्मर को हमेशा ये रहेगा कि भी मुझे प्राइस में आज अगर मैं प्राइस फिक्स करता हूँ एग्रीमेंट में और उस टाइम प्राइसेस हाई हो तो मुझे नुकसान होगा। स्पॉन्सर को ये अप्रिएशन होगा कि आज मैं कोई पर्टिकुलर प्राइस पे फार्मिंग एग्रीमेंट करता हूँ और उस टाइम प्राइसेस क्रैश कर जाएं तो मुझे नुकसान होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2-3 फॉर्मूले तैयार किए हैं कि भी कैसे प्राइस स्पॉन्सर और फार्मर फिक्स करेंगे। ये उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे म्यूचुअल कंसेंट के बाद वो उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं कि भी एक पर्टिकुलर ग्रेड का अगर वो चाहे तो फिक्स प्राइस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं एग्रीमेंट में या वो वेरिएबल प्राइस भी कर सकते हैं। वेरिएबल में ये है कि वो अपने जो फार्मिंग प्राइस है जो फार्मिंग प्रोड्यूस का प्राइस है वो एग्रीकल्चर मार्केट रेट से या एपीएमसी में जो रेट प्रीवेलेंट होगा एट द टाइम व्हेन द क्रॉप इज डिलीवर्ड इन द मार्केट उससे वो अटैच करते हैं। फिक्स्ड में क्या है कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप फार्मिंग प्रोड्यूस कोई भी ले लीजिए उसका पिछले 3 साल में या 5 साल का एवरेज लेके या फ्लक्चुएशन देख के फार्मर और स्पॉन्सर एग्री कर सकते हैं कि सपोज 10 रुपीज पर केजी है तो उसमें जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर 12 रुपए है या 15 रुपए है तो दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द स्पॉन्सर। कम हुआ तो दिस स्पॉन्सर विल हैव टू बियर द लॉस, उसमें दे कैन नॉट रिगल आउट ऑफ द फिक्स्ड प्राइस तो उनको देना ही पड़ेगा। अगर दोनों को ये डर लगा रहता है कि भी फ्लक्चुएट करता रहता है जैसे क्रैश क्रॉप्स हैं वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं तो इस इवेंचुअलिटी में वो क्या कर सकते हैं दे कैन चूज एन ऑप्शन ऑफ वेरिएबल प्राइस। वो चाहें तो एक मिनिमम प्राइस गारंटीड प्राइस एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं उसके साथ वो उस अपने फार्मिंग प्रोड्यूस को अटैच कर सकते हैं मार्केट वैल्यू के साथ जो उस टाइम ओपन मार्केट में उस फार्मिंग प्रोड्यूस का प्राइस होगा या एपीएमसी में जो मार्केट प्राइस होगा। सपोज वो 5 रुपीज करते हैं कि भाई 5 रुपीज सपोज फार्मर अपना कॉस्ट निकाल के उसमें असेस करता है कि 5 रुपीज तो मिनिमम मेरा गारंटेड प्राइस होना ही चाहिए, देन दे कैन लिंक इट टू द एपीएमसी रेट्स प्रीवेलेंट इन द एपीएमसी मार्केट और इन द
ओपन मार्केट, उसका 50% ले सकते हैं या 60% ले सकते हैं या 40% ले सकते हैं, जो भी फार्मर और स्पॉन्सर को कन्वीनियंस लगे उसके साथ अटैच कर सकते हैं। सपोज एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूस 20 रुपीज है उसका प्राइस, तो 10 रुपीज 50% ऑफ 20, अगर वो 5+50% लेते हैं तो 5+10, तो फार्मर विल गेट 15 रुपीज। तो इसमें एक एप्रिहेंशन और हो सकती है फार्मर की या स्पॉन्सर की कि मैं आज एग्रीमेंट तो कर लेता हूँ, हो सकता है स्पॉन्सर मुझे, फार्मर मुझे जिस टाइम फार्मिंग प्रोड्यूस तैयार हो मेरे पास अपना प्रोड्यूस लेके ना आए, तो उस इवेंचुअलिटी में एक बोनस का प्रोविजन भी दिया गया है कि भी बोनस भी दे सकता, स्पॉन्सर दे सकता है कि भी इन केस दिस इज द अमाउंट दैट आई एम गोइंग टू गिव यू ऑफ द फार्म प्रोड्यूस, और अगर आप मेरे पास मेरा ये लेके आओगे फार्मिंग प्रोड्यूस तो मैं 2 रुपए या 4 रुपए अकॉर्डिंग जो भी कंसेंट होती है मैं बोनस आपको दूंगा। उसमें प्रीमियम का क्लॉज भी आप ऐड कर सकते हैं कि भी इन केस एक पर्टिकुलर ग्रेड से आप अच्छी क्वालिटी का फार्मिंग प्रोड्यूस आप तैयार करते हैं और उसको स्पॉन्सर को सप्लाई करते हैं, तो दिस स्पॉन्सर कैन एग्री टू पे अ प्रीमियम ओवर एंड अबव द प्राइस फिक्स्ड एग्रीड किया गया है। तो इसमें दोनों की अप्रिहेंशन का ध्यान रखते हुए भी स्पॉन्सर को क्या अप्रिहेंशन हो सकती है प्राइस फिक्सिंग के बारे में या फार्मर को क्या अप्रिहेंशन हो सकती है, तो दोनों के इंटरेस्ट को वॉच करते हुए जो उनको ठीक लगे, जो उनको लगे कि भी उनके इंटरेस्ट सेफ गार्ड है, वो प्राइस अकॉर्डिंगली अपने एग्रीमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और एक इसलिए ताकि फार्मर को यह मालूम हो कि भी आज उसने जो फार्मिंग प्रोड्यूस कल्टीवेट किया है उसको 3 महीने बाद 4 महीने बाद कितने पैसे मिलेंगे। कई बार फार्मर्स के लिए ऐसे होता है कि वो कैश क्रॉप को कल्टीवेट करता है विद द अजम्पशन कि भी ही विल गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट, तो कई बार मार्केट क्रैश कर जाती है तो अनसर्टेनिटी होती है। इसमें फार्मर को सर्टेनिटी रहेगी एटलीस्ट कि भी दिस मच अमाउंट इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ द फार्मिंग प्रोड्यूस। सेक्शन 6 डील करता है कि भी हाउ द गुड जो फार्मिंग प्रोड्यूस है हाउ इट्स गोइंग टू बी सप्लाई टू द स्पॉन्सर। एग्रीमेंट में स्पॉन्सर और फार्मर अपनी इच्छा अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि भी फार्मिंग प्रोड्यूस स्पॉन्सर तक कैसे पहुंचेगा। इन केस फार्मर चाहता है कि भी स्पॉन्सर उसके खेत से ही फार्मिंग प्रोड्यूस को कलेक्ट करे, तो स्पेसिफिकली उसमें आप मेंशन कर सकते हैं दैट ही विल पिक द स्पॉन्सर विल पिक द फार्मिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्म गेट ऑन अ पर्टिकुलर डेट, उस डेट से पहले उसको उठाएगा। अगर ये क्लॉज एग्रीमेंट में आपने डाल दिया तो वो स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस डेट से पहले वो फार्मिंग प्रोड्यूस को वहां से उठाए। इन केस एग्रीमेंट में स्पॉन्सर चाहता है कि भी फार्मर्स स्पॉन्सर के प्रेमिसेस पे या फैक्ट्री में या यार्ड में सप्लाई करे, तो उस इवेंचुअलिटी में ही विल हैव टू इंश्योर कि भी जिस डेट से पहले फार्मर ने वहां पे जिस डेट को फार्मर ने फार्मिंग प्रोड्यूस स्पॉन्सर के यहां पे सप्लाई करना है, ही विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग लोडिंग अनलोडिंग, सारी अरेंजमेंट वो तैयार रखनी पड़ेगी कि ऐसे ना हो कि भी वो फार्मिंग प्रोड्यूस आ जाए एंड ही इज अनएबल, उसके पास कोई तैयारी ना हो। अगर फार्मिंग प्रोड्यूस में कोई क्वालिटी का प्रिस्क्रिप्शन दी हुई है कि भी पर्टिकुलर क्वालिटी की फार्मिंग प्रोड्यूस सप्लाई करनी है फार्मर में, तो वो स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भी बिफोर ही एक्सेप्ट द फार्मिंग प्रोड्यूस वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। इन केस द फार्मिंग प्रोड्यूस इज डिलीवर्ड एंड इट इज अनलोडेड देन ही कैन नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फार्मिंग प्रोड्यूस। अगर कोई स्पॉन्सर कोई सी फार्मर को सीड प्रोडक्शन के लिए एग्रीमेंट करता है, उस इवेंचुअलिटी में सीड प्रोडक्शन जो करता है फार्मर उसको 2/3 ऑफ द पेमेंट इमीडिएटली देनी पड़ेगी, वो सिर्फ 1/3 पेमेंट अपने पास रिटेन कर सकता है ओनली विद द ऑब्जेक्ट कि टू गेट द सीड्स सर्टिफाइड फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट एजेंसी। वो भी सिर्फ 1 महीने का टाइम है उसके पास कि 1 महीने में वो सर्टिफाई करा लेता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ही विल हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 1 month। अगर कोई सीड्स के अलावा कोई बाकी दूसरी क्रॉप है उसकी पेमेंट स्पॉन्सर को इमीडिएटली करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। इसमें एक चीज हो रहा है, स्पॉन्सर और फार्मर बाय म्यूचुअल कंसेंट ये डिसाइड कर सकते हैं कि हु इज गोइंग टू प्रोवाइड द पैकेजिंग मटेरियल, जैसे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसमें क्रेट्स वगैरह कौन प्रोवाइड कराएगा, या वीट है पैडी है या मेज है तो उसमें बोरी कौन प्रोवाइड कराएगा, तो इसमें बाय म्यूचुअल कंसेंट दे कैन डिसाइड हु इज गोइंग टू मेक द अरेंजमेंट्स। इसमें पैकेजिंग का कॉस्ट
ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, वेइंग का कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, ये जनरली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्पॉन्सर की. ईल हैव टू बियर ऑल द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ट्रांसपोर्टेशन का स्पॉन्सर, अभी इनकेस फार्मर उस फार्म गेट से लेके और फैक्ट्री प्रेमिसेस तक पहुंचाना है फार्मिंग प्रोड्यूस, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर की होगी बियर करने के लिए. इन केस फार्मर का प्रोड्यूस लेने से स्पॉन्सर मना कर देता है और ही फेल्स टू टेक द डिलीवरी ऑफ द फार्मर विद इन टाइम जो स्टिपुलेटेड एग्रीमेंट में, तो फार्मर के पास ये राइट है कि वो अपना फार्मिंग प्रोड्यूस कहीं और बेच सकता है, और अगर जो उसको लॉस होगा वो उस स्पॉन्सर से जिसके साथ उसने फार्मिंग एग्रीमेंट किया है, ही कैन रिकवर द अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दैट इज स्पेसिफाइड इन सेक्शंस फर्दर. इसमें जो एग्रीमेंट है, ये जो फार्मिंग एग्रीमेंट होगा, ये फार्मिंग एग्रीमेंट सिर्फ फार्मिंग प्रोड्यूस का होगा. इससे पहले जब ओरल एग्रीमेंट्स होते थे गांव में, तो इस एप्रिहेंशन से ओरल एग्रीमेंट्स होते थे कि खसरा गर्दौली चेंज हो जाएगी. इसमें क्या स्पेसिफिकली है कि भी लैंड इज अनटच्ड, फार्मर की जो लैंड है इस फार्मिंग एग्रीमेंट से अनटच्ड है, सिर्फ फार्मिंग प्रोड्यूस जो फसल जमीन पे उगेगी सिर्फ उसका ही ये फार्मिंग एग्रीमेंट है, लैंड इससे बिल्कुल अछूती है. इसमें फार्मिंग एग्रीमेंट के तहत स्पॉन्सर किसी भी तरीके की फार्मर्स की एग्रीकल्चर लैंड को लीज पे नहीं ले सकता, सेल नहीं कर सकता, मॉर्गेज नहीं कर सकता. इसमें स्पॉन्सर फार्मर्स की लैंड पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर भी खड़ा नहीं कर सकता. इनकेस ही कंस्ट्रक्ट्स और ही रिक्वायर सम परमानेंट स्ट्रक्चर ऑन द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर्स, उस इवेंचुअलिटी में ही विल हैव टू रिमूव द स्ट्रक्चर बिफोर द फार्मिंग एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड. अगर वो फार्मिंग एग्रीमेंट खत्म होने से पहले परमानेंट स्ट्रक्चर रिमूव नहीं करता, इन दैट इवेंचुअलिटी जो स्ट्रक्चर जो उसने कंस्ट्रक्ट किया है दैट विल वेस्ट विन द फार्मर, और कोई भी क्लेम या कॉम्पनसेशन क्लेम करने का राइट स्पॉन्सर का नहीं होगा. सेक्शन 9 डील करता है इंश्योरेंस और क्रेडिट स्कीम से. इसमें क्या है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में ही अगर स्पॉन्सर चाहे या फार्मर चाहे अपनी क्रॉप की इंश्योरेंस करा सकता है. अगर फार्मर अपने क्रॉप की इंश्योरेंस कराएगा तो फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू मेक द प्रीमियम, और इन केस स्पॉन्सर टेक्स द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द फार्मर, इन दैट इवेंचुअलिटी इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर टू मेक द पेमेंट, और जो फार्मिंग प्रोड्यूस फार्मर का स्पॉन्सर के पास आएगा वो उसमें से डिडक्ट कर सकता है. कोई भी क्रेडिट स्कीम जो बैंक्स की है, नेशनलाइज्ड बैंक्स या गवर्नमेंट्स की आती है, तो दिस फार्मिंग एग्रीमेंट या फार्मिंग क्रॉप कैन बी लिंक्ड टू द फार्मिंग प्रोड्यूस. इसमें एक और सेक्शन 10 में प्रोवाइड दिया गया है सर्विस प्रोवाइडर, फार्म सर्विस प्रोवाइडर और एग्रीगेटर. सपोज एक फार्म, एक बड़ा बिजनेसमैन है, ही वॉन्ट्स टू टेक थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड ऑन, उनका एग्रीमेंट करना चाहता है, तो उस इवेंचुअलिटी में उसके हो सकता है अकेले के बस का ना हो, या ही वॉन्ट्स द मिडलमैन ऑल्सो जो फार्मर्स के और स्पॉन्सर्स के बीच में मेडिएट करेगा एक मेडिएटर के तौर पे, या एक फार्म सर्विसेज प्रोवाइडर की वो सर्विसेज अवेल करेगा जो मशीनरी प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, या टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करेगा, लेटेस्ट सीड्स प्रोवाइड करेगा, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करेगा, जो भी प्रोवाइड करेगा उस एग्रीमेंट में एग्रीगेटर को और फार्म सर्विस प्रोवाइडर को आप पार्टी बना सकते हैं ताकि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे. इन केस अगर फार्म सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है फार्मर को और उस केस में फार्मर को नुकसान हो जाता है फार्मिंग प्रोड्यूस का, इन दैट इवेंचुअलिटी फार्म सर्विस प्रोवाइडर शैल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस कॉज टू द फार्मर. तो स्पॉन्सर और फार्मर के अलावा ये दो लोग जो एग्रीगेटर है और जो फार्म सर्विस प्रोवाइडर है, इनको भी आप पार्टी बना सकते हैं, और इनका रोल स्पेसिफाइड होगा कि इनका रोल और इन्होंने सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करनी है. एक और इसमें है सेक्शन 11 में जो एग्रीमेंट है, सपोज फार्मर ने, स्पॉन्सर ने आज एग्रीमेंट कर लिया, आफ्टर से 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज उनको लगता है कि एग्रीमेंट ठीक नहीं हुआ या गलत हुआ या इंटरेस्ट में नहीं है फार्मर के या स्पॉन्सर के, या कोई क्लॉज उसमें ऐसा डल गया जो उनको लगता है वो ठीक नहीं है, एनी टाइम किसी भी टाइम वो कोई भी क्लॉज ऑल्टर कर सकते हैं या एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकते हैं बाय म्यूचुअल कंसेंट. जब दोनों पार्टीज आएंगी उसको कैंसिल कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं.
सेक्शन 12 में है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाएगी, जिसमें यह प्रोविजन होगा कि हाउ दी अगर कोई फार्मर एग्रीमेंट्स को रजिस्टर करना चाहे कि उसकी फॉर्मेलिटीज क्या होगी, कौन रजिस्टर करेगा, क्या उसमें फीस होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी करेंगे। अगर चैप्टर 3 डील करता है कि अगर कोई झगड़ा डिस्प्यूट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है बिटवीन द स्पॉन्सर एंड द फार्मर, डिस्प्यूट किसी भी तरीके का हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है क्वालिटी का, स्पॉन्सर डिस्प्यूट कर सकता है कि जो मैंने क्वालिटी फार्मर को कही थी उस क्वालिटी का तो फार्मिंग प्रोड्यूस है नहीं, या क्वांटिटी का हो सकता है, फार्मर कहेगा कि भी ये तो मैंने इतना दिया था, ये वेइंग में प्रॉब्लम है, या पेमेंट की प्रॉब्लम है, पैकेजिंग की प्रॉब्लम है, या रिजेक्शन की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का या कोई और डिस्प्यूट जो फार्मर और स्पॉन्सर के बीच में आता है, तो उसका भी एक बहुत ही डिटेल्ड एक सेक्शन 13 से 15 में डिफाइन किया कि उसका क्या प्रोसेस होगा। जिस टाइप एग्रीमेंट करेंगे तो एक कंसिलिएशन प्रोसेस का उसमें जिक्र होगा, जिसमें दोनों कंसिलिएशन बोर्ड का होगा कि भी उनके जिसमें दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्पॉन्सर के भी और फार्मर में भी, फार्मर के भी अगर कोई झगड़ा हो जाता है ये हमारा फैसला करेंगे। तो जब कोई डिस्प्यूट इस रिगार्डिंग होगा तो वो कंसिलिएशन बोर्ड जो बनेगा, जो दोनों पार्टीज की रजामंदी से होगा, उसके पास जाएगा और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सेटलमेंट कराने की कोशिश करे विद इन 30 डेज। अगर तो सेटलमेंट कोई सेटलमेंट पे पहुंच जाते हैं, सेटलमेंट हो जाती है, देन मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट विल बी रिटन विच विल बी साइंड बाय बोथ दी पार्टीज, और ये जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट होगा ये बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर, इसकी कोई अपील या कोई और आगे रेमेडी नहीं होगी, दिस विल बी बाइंडिंग। इन केस कोई सेटलमेंट नहीं होती है किसी भी तरीके की, उस इवेंचुअलिटी में कोई भी पार्टी एसडीएम को एप्लीकेशन मूव करेगी, एंड एप्लीकेशन मूव करने के बाद देन द एसडीएम विल डिसाइड द मैटर। इन केस सपोज फार्मिंग एग्रीमेंट में कंसिलेशन प्रोसेस का, कंसिलेशन बोर्ड का कोई प्रोसेस नहीं है, उस इवेंचुअलिटी में अगर एप्लीकेशन सीधे एसडीएम के पास डालेंगे तो एसडीएम विद इन 14 डेज कंसिलेशन बोर्ड का गठन किएगा दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके, और वो उसमें जैसे ऊपर मैंने भी बताया 30 डेज में उनको दे विल ट्राई टू रीच टू अ सेटलमेंट। अब किस एसडीएम को ज्यूरिडिक्शन होगी, उस एसडीएम को ज्यूरिडिक्शन होगी जिस लैंड के फार्मिंग प्रोड्यूस का ये एग्रीमेंट हुआ है, जहां पे वो सिचुएटेड है। सपोज एक एग्रीमेंट हुआ है जिसकी लैंड 2 एसडीएम की ज्यूरिडिक्शन में फॉल करती है, तो जिस ज्यूरिडिक्शन की एसडीएम के ज्यूरिडिक्शन में ज्यादा लैंड फॉल करती है, दैट एसडीएम विल हैव द ज्यूरिडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, एविडेंस लेने के बाद, यहाँ पे जिस टाइम एसडीएम इस डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे तो ही विल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द सिविल कोर्ट इन रिकॉर्डिंग द एविडेंस, समनिंग द विटनेसेस, और वो एक समरी प्रोसेस में विद इन 30 डेज ही हैव टू डिसाइड दिस मैटर। अगर वो ऑर्डर पास करते हैं अगेंस्ट द परचेजर इन फेवर ऑफ द फार्मर, इन दैट इवेंचुअलिटी ही विल पास एन ऑर्डर ऑफ अमाउंट ड्यू, जो परचेजर ने फार्मर को अमाउंट ड्यू निकलती है स्पॉन्सर के अगेंस्ट, वो अमाउंट की ऑर्डर करेंगे प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी विच कैन एक्सटेंड अप टू 150%। उसमें अमाउंट ड्यू जो फार्मर के टूवर्ड्स फार्मर है वो प्लस इंटरेस्ट प्लस 150% ऑफ द पेनल्टी। इन केस कोई ऑर्डर आता है फार्मर के अगेंस्ट, सपोज कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं स्पॉन्सर ने फार्मर को और फार्मर ने वो फार्मिंग प्रोड्यूस स्पॉन्सर को नहीं दिया, तो देन ऑर्डर कैन बी पास्ड अगेंस्ट द फार्मर ऑल्सो। पर उस इवेंचुअलिटी में जो स्पॉन्सर ने एक्चुअल कॉस्ट इनकर करी है उस फार्मिंग प्रोड्यूस को ग्रो करने के लिए, सिर्फ वो उसी का ऑर्डर फार्मर के अगेंस्ट हो सकता है, उसमें फार्मर के अगेंस्ट कोई इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी क्लॉज इसमें नहीं दिया गया है, सिर्फ जो स्पॉन्सर ने इंकर करा है एक्सपेंसेस उसी के ऑर्डर हो सकते हैं। इस ऑर्डर की अपील कलेक्टर को लाई करेगी, और अपील कैन बी फाइल्ड इन पर्सन और थ्रू एन एडवोकेट। ऑल द ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स ऑफ रिकवरी पास्ड बाय द कलेक्टर और द एसडीएम, उनकी रिकवरी अंडर सेक्शन 1472 कैन बी रिकवर्ड as areas of land revenue, but section 15 में एक exemption दी गई है farmers के agriculture land को, कि भी अगर कोई farmers के against recovery के order भी होते हैं in view of section 15, that cannot be recovered against the land of the agriculture land of the farmer। agriculture land farmer की इससे बिल्कुल इस act
इसे बिल्कुल बाहर रखी गई है। एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट फार्मर की कोई भी रिकवरी नहीं हो सकती है। इसमें कुछ इसके बाद इसमें कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस भी हैं, और जो सेकेंड एक्ट है उसमें भी कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हैं, वो बेसिकली सेम है। वो मैं मिसलेनियस प्रोविजंस इस एक्ट के जब मैं नेक्स्ट लास्ट में जाएंगे तो उनके साथ में आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देता हूँ सेकेंड एक्ट के बारे में। जो सेकेंड एक्ट है ये है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये एक्ट बेसिकली इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट, एक किसान एक फार्मर को इंटरस्टेट अपने स्टेट में कहीं पे भी या दूसरे स्टेट में या नंबर ऑफ स्टेट्स में एपीएमसी एरिया के बाहर कोई भी फार्मर्स प्रोड्यूस बेचने की परमिशन देता है और स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोहिबिट करता है कि भी इस एक्ट के तहत जो भी फार्मिंग प्रोड्यूस बेचा जाएगा उस पर ना तो कोई मार्केट फी लेवी होगी, ना सेस लेवी होगा, ना कोई मार्केट लेवी मार्केट फी या सेस कोई लागू स्टेट्स नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं। प्रिलिमिनरी एज यूजुअल डेफिनेशंस दी गई हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। ये एक तरह से प्लेटफॉर्म जो है जो आज की डेट में एपीएमसी के अंडर जो मंडी रन करती है उस तरह से सेटअप होगी। फार्मर्स प्रोड्यूस सेक्शन ये प्रोवाइड करें। ट्रेड एरिया इस एक्ट में वो डिफाइन किया गया है जो एपीएमसी स्टेट्स की जो एपीएमसी एक्ट के अंडर जो एरिया आता है शेड्यूल एरिया मार्केट एरिया उसके बाहर जो भी एरिया है उसको ट्रेड एरिया इस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है। जो इन दोनों एपीएमसी एक्ट के अंदर जो ट्रेड एरिया है और इस एक्ट के अंदर जो ट्रेड एरिया है ये ओवरलैप नहीं करते, ये टोटली अलग अलग है। जहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा वहां पे एपीएमसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे एपीएमसी एक्ट एप्लीकेबल होगा वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें सेक्शन प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड फार्मर्स प्रोड्यूस ये चैप्टर 2 है। इसमें किसी भी व्यक्ति को फ्रीडम दी गई है इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट ट्रेड करने की। अब पर्सन कौन है? पर्सन कैन बी एन इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोसाइटी, सोसाइटी, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट सोसाइटी। इनमें से कोई भी जिसके पास एक पैन कार्ड है एक्सेप्ट फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके पास अगर फार्म पैन कार्ड नहीं भी है ये भी ट्रेडिंग कर सकती हैं। बाकी जो मैंने ऊपर बताई है इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सोसाइटी, इनको पैन कार्ड मैंडेटरी है। इनके पास जो भी कोई भी व्यक्ति जिनके पास पैन कार्ड है ये किसी भी स्टेट में और एनी नंबर ऑफ स्टेट्स में ये ट्रेडिंग कर सकते हैं, फार्मर से प्रोड्यूस खरीद सकते हैं, फार्मर ट्रेडर को प्रोड्यूस फार्मिंग प्रोड्यूस बेच सकता है, एक ट्रेडर से लेके दूसरे ट्रेडर को बेच सकता है। इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स फ्रेम कर सकती है ताकि ट्रेडर्स की मॉडलिटीज वो ट्रेड कैसे करेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन कर सके। इसमें जब भी फार्मर एक ट्रेडर को फार्मिंग प्रोड्यूस सप्लाई करता है ये उस सर्कमस्टांसिस में पेमेंट हैज टू बी मेड ऑन द सेम डेट, फार्मर को पेमेंट उसी दिन मिलनी चाहिए। अगर किसी कारणवश फार्मिंग प्रोड्यूस का जो रेट है स्पॉन्सर या ट्रेडर फार्मर को नहीं दे पाता है तो इट कैन बी पेड विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 दिन से ज्यादा उसको नहीं रिटेन कर सकता। पर जिस दिन उसको फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेडर के पास डिलीवर होता है तो इमीडिएटली ऑन द सेम डेट उनको एक रिसिप्ट और द डेट ऑफ पेमेंट अमाउंट ड्यू वो फार्मर को देनी पड़ेगी। अगर फूड फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक तरह से समूह है फार्मर्स का, अगर ये फार्मर्स के प्रोड्यूस को ट्रेड करते हैं बेचते हैं इन लोगों को लिबर्टी है कि भी ये 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे इन केस इन्होंने वैल्यू एडिशन के लिए कोई पैकेजिंग करनी है या कोई लेबलिंग करनी है या ग्रेडिंग करनी है। इस इवेंचुअलिटी में सिर्फ इनको एक
टाइम पीरियड दिया गया है कि 14 दिन में फार्मर को पेमेंट करेंगे। अगर वो किसी प्राइस स्पेकुलेशन के लिए फार्मिंग प्रोड्यूस को रखते हैं, ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि भी रेट और बढ़ेंगे, तो दे कैन रिटेन द पेमेंट टिल 21 दिन में उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। ट्रेडर्स को तो सेम डे करनी पड़ेगी या 3 working days, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन या एग्रीकल्चर कॉपरेटिव सोसाइटीज को 14 दिन और 21 दिन का टाइम दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड, मॉडलिटीज ऑफ ट्रेड ट्रांजेक्शन एंड मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट होगी, कैसी ट्रेड होगी, किस तरह से ट्रेड होगी, क्या उसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन कर सकती है ट्रेडर्स की। एक सेक्शन 5-7 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म सेटअप करने का प्रोविजन दिया गया है कि इसमें कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसमें इंडिविजुअल नहीं, इसमें सिर्फ यही लोग हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म किस तरह का होगा, ये होगा जैसे आज की डेट में जो APMC के अंडर मंडीज हैं, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे फार्मर्स अपना प्रोड्यूस लेके आएंगे, वहाँ पे ट्रेडर्स भी आएंगे, तो फार्मर्स का प्रोड्यूस ट्रेडर्स खरीदेंगे, ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स से भी फार्म प्रोड्यूस खरीद सकते हैं, तो सारी तरह की ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग APMC मंडी में या यार्ड्स में आज की डेट में हो रही है, ये उसी तरह से बिजनेस एक सेटअप होगा। इसमें जो ये प्लेटफॉर्म सेटअप करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसके लिए वो गाइडलाइंस फ्रेम करे ताकि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, वो वहाँ पे गाइडलाइंस फ्रेम करेगा कि वहाँ पे ट्रेडिंग का मोड क्या होगा, वहाँ पे फी क्या होगी, वहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होंगे, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगी, लोडिंग अनलोडिंग, क्वालिटी असेसमेंट कैसे करेंगे, मान लो कि वहाँ पे फार्मिंग प्रोड्यूस लेके आता है कि हु इज गोइंग टू असेस कि भी ये क्वालिटी किस क्वालिटी का है, और उसकी जिम्मेवारी होगी कि भी फार्मर वहाँ पे आता है या ट्रेडर वहाँ पे आता है फार्म प्रोड्यूस खरीदने के लिए या बेचने के लिए, या फार्मर वहाँ पे फार्म प्रोड्यूस बेचने के लिए जाता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको टाइमली पेमेंट मिले। इसको गाइडलाइंस को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स फ्रेम कर सकती हैं कि भी वहाँ पे एक विजन, ताकि उनको एक गाइडलाइंस मिल जाए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म को कि भी क्या क्या फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, क्या मोड ऑफ ट्रेडिंग उन्होंने करनी है, कैसे करनी है, कितनी फीस वो लेवी कर सकते हैं फार्मर के ऊपर या ट्रेडर के ऊपर, तो इसके लिए सारे के सारे मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर सकती है। इसमें मार्केट फी लेवी असेस जो APMC के अंडर एप्लीकेबल है, इस प्लेटफॉर्म में ये एप्लीकेबल नहीं होगी, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी मार्केट फी सेस या लेवी इसमें नहीं लगा पाएगी। इसमें एक और प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 7 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश प्राइम इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम या किसी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म जो व्यक्ति इसको सेटअप करता है या रेगुलेट करता है, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती है ये प्राइस इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम सेटअप करने के लिए। ये क्या होगा, ये लोकल लैंग्वेज में डिस्प्ले करना होगा वहाँ पे, ये एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना पड़ेगा उसको कि थ्रू आउट इंडिया हर एक फार्मिंग प्रोड्यूस का क्या रेट है, ताकि जब फार्मर वहां पे फार्मिंग प्रोड्यूस अपने लेके आए उसको, क्योंकि जब भी फार्मर मार्केट में जाता है उसको ये लगेगा कि ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे अपना जो फार्मिंग प्रोड्यूस बेचा है कि भी दिल्ली में उसका रेट ज्यादा ना हो, कलकत्ता में उसका ज्यादा रेट ना हो, तो इसमें सारा का सारा लोकल लैंग्वेज में डिस्प्ले होगा कि भी उस डेट एवरी डेट, जैसे शेयर मार्केट में होता है कि भी शेयर का प्राइस क्या है, तो इसमें हर एक फार्मिंग प्रोड्यूस का प्राइस डिस्प्ले होगा हर एक मंडी का, और इसमें उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, ये ना हो कि वो मैनिपुलेट कर ले, ये इस वजह से कि फार्मर अगर वहाँ पे आए उसको ये लगे कि जो मुझे रेट यहाँ मिला हो पैन इंडिया थ्रू आउट इंडिया वही है, मेरे साथ कोई धोखा या मेरा जो फार्मिंग प्रोड्यूस है वो कम प्राइस में नहीं गया है, इसकी वायलेशन अगर कोई करता है या कोई कंट्रावेंशन करता है उसकी पेनल्टी भी बड़ी हैवी है, वो मैं आगे सेक्शन 11 में दी गई है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें भी अगर कोई डिस्प्यूट होता है फार्मर में ट्रेडर में, तो इसमें भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक प्रोसेस है चैप्टर 3 में,
इसमें भी एप्लीकेशन जब कोई डिस्प्यूट आ जाएगा क्वालिटी का, वेमेंट का, पेमेंट का, किसी भी तरह का डिस्प्यूट आएगा, तो इन दिस केस ऑल्सो द एप्लीकेशन ट्रेडर हो या फार्मर हो, कोई भी हो, उनको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एसडीएम को. एसडीएम के पास जब एप्लीकेशन देंगी तो वो एक कंसिलिएशन बोर्ड गठित करेगा. उसका जो ऑफिशिएटिंग मेंबर होगा वो ऑफिसर होगा जो एसडीएम के अंडर वर्क करता है, और दोनों पार्टीज को ग्रेविटी ऑफ डिस्प्यूट को देखते हुए वो डिसाइड करेगा कि भाई दोनों पार्टीज का, ट्रेडर का, फार्मर का, एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेना है, दो दो रिप्रेजेंटेटिव लेना है, तो उनका एक कंसिलिएशन बोर्ड गठित होगा. और उस कंसिलिएशन बोर्ड को एक महीने की जो लिमिटेशन है कि विद इन वन मंथ ही हैव टू कम टू अ सेटलमेंट. अगर वो सेटलमेंट एक महीने के अंदर नहीं आते हैं या देन द मैटर विल टेकन बाय द एसडीएम. अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वहां पे, सेटलमेंट हो जाती है, इन दैट इवेंचुअलिटी कोई मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बनेगा दोनों पार्टीज में, एंड इट विल बी फाइनल बिटवीन बोथ द पार्टीज. वो साइन करेंगे एंड दैट विल बी फाइनल. अगर कोई सेटलमेंट नहीं होती है देन द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय द एसडीएम बाय टेकिंग एविडेंस. वही जैसे पहले एक्ट में था, यहां पे भी एसडीएम के पास सारी पावर्स हैं सिविल कोर्ट की टू कॉल फॉर एविडेंस, समन द विटनेसेस, और समरी मैनर में ही विल डिसाइड द मैटर विद इन 30 डेज. After the decision, the SGM can pass an order against the purchaser as well as against the purchaser. अगर purchaser की order के against order pass होता है, तो then the order of recovery can be passed, penalty can be passed, and even the trader can be restrained from operating for a fixed time as the collector deems fit. इसमें recovery जो farmer को due बनती है उसका ऑर्डर हो सकता है कि भी लेफ्ट ही फार्म द स्पॉन्सर ट्रेडर कैन बी डायरेक्टेड टू मेक द पेमेंट टू द फार्मर प्लस पेनल्टी जो सेक्शन 11 ए में डिफाइंड है कि भी कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी. और अगर ट्रेडर की जो कंट्रावेंशन है, बार बार कंप्लेंट्स आ रही है, तो एसडीएम उसको रोक भी लगा सकता है किसी भी पीरियड के लिए कि वो उसमें कार्रवाई ट्रेडिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना करे. इस ऑर्डर की अगेंस्ट अपील लाई करेगी कलेक्टर को and collect within 30 days, and collector will also have to decide the appeal within 30 days. The orders passed by the SDM and the collector, they will be enforceable as a decrees of the civil court. Or jaise civil court ki decrees execute hoti hai, those can be recovered from this trader in that manner. Ab agar koi violation karta section 5 and 7 ki, in case an order is passed against the electronic trading and transaction platform होल्डर जो ये रन कर रहा है, वो वायलेशन करता है किसी चीज की, then the application will lie to the agriculture marketing advisor. इसमें agriculture marketing advisor के पास he can take sumo, उनकी नॉलेज में आता है तो वो sumoto भी एक्शन ले सकते हैं ऑन द पिटिशन ऑफ द ट्रेडर और द फार्मर ऑल्सो और ऑल द गवर्नमेंट. तो SDM जिसके पास जब ये एप्लीकेशन जाएगी एंड ही कैन आल्सो सीक जाएगी तो ही कैन पास एन ऑर्डर ऑफ रिकवरी प्लस पेनल्टी अंडर सेक्शन 11(2) एंड सस्पेंड द लाइसेंस ऑफ द पर्सन जो ये फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months, मिनिमम 2 months, मैक्सिमम 1 year, एंड हिज उनका जो प्लेटफॉर्म रन करने का जो राइट है वो भी कैंसिल भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू दी ग्रेविटी भी, कितना बड़ा उन्होंने ऑफेंस किया है, तो उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है और वो सस्पेंड भी हो सकता है. इस ऑर्डर की अपील विल लाई टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी विद इन 60 डेज. सेक्शन 4 में प्रोवाइड की गई है पेनल्टीज की भी, व्हाट आर द पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज्ड. अगर फार्मर और ट्रेडर के बीच में डिस्प्यूट है एंड द ऑर्डर इज पास्ड अगेंस्ट द ट्रेडर, तो रिकवरी के अलावा जो पेनल्टी इम्पोज हो सकती है अगेंस्ट द ट्रेडर इज दैट कैन रेंज नॉट दैट कैन बी नॉट लेस देन 25,000 बट विच मे एक्सटेंड अप टू 5 lakh rupees. अगर जो कंट्रावेंशन जो वो कंट्रावेंशन कंटिन्यूइंग है
in that eventuality further penalty can be imposed up to 5000 rupees per day. तो इसमें जो रिकवरी अमाउंट है उसके अमाउंट है उसकी रिकवरी के अलावा पेनल्टी नॉट लेस देन 25000 रुपीस व्हिच कैन एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीस एंड इन केस द कंट्रावेंशन इज कंटिन्यूइंग इन दैट इवेंचुअलिटी फर्दर पेनल्टी अप टू 5000 रुपीस पर डे कैन बी इम्पोज्ड बाय द एसडीएम. अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 5 एंड 7 अगेंस्ट द पर्सन हु इज रनिंग द ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म उसके अगेंस्ट पेनल्टी 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक इम्पोज हो सकती है. और अगर वो कंट्रावेंशन कंटिन्यू करता है बार बार करता है इन दैट इवेंचुअलिटी द पेनल्टी कैन रन अप टू 10,000 रुपीज पर डे. तो जो प्लेटफॉर्म रन कर रहा है उस केस में हैवी पेनल्टी है इन बोथ केसेस इवन अगेंस्ट द ट्रेडर और इवन अगेंस्ट द पर्सन हु इज रनिंग द ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म. अब आता हूँ मैं ये जो मिसलेनियस प्रोविजंस हैं बेसिकली दोनों एक्ट्स में ये है कि दिस सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शंस फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. अगर कोई जब ये ग्रास रूट लेवल पे ये दोनों एक्ट्स लागू होंगे इनमें काम होगा तो अगर कोई भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट कैन बाय डायरेक्शंस कोई भी डायरेक्शंस इशू कर सकती है फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. इस दोनों एक्ट्स के मुताबिक के अंतर्गत अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बाहर है फार्मिंग एग्रीमेंट्स में या इस एक्ट के थ्रू कोई भी फार्मिंग प्रोड्यूस फार्मर ट्रेडर को बेचता है तो उसमें सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बाहर है ओनली एसडीएम विल हैव द पावर्स. इसमें एक और प्रावधान है मिसलेनियस की इस जो इन दो एक्ट्स के जो प्रोविजन हैं जो इनकंसिस्टेंट हैं स्टेट एक्ट्स के उसमें so these acts will have an overriding effect against the provisions of the state acts. SDM or appellate courts ko civil courts ki power hogi on all accounts for execution, for summoning, for deciding all powers that the civil court has, those powers will be vested in the SDM and the appellate authority. Isme central government can fail can frame rules regarding the proper implementation. इन दोनों एक्ट में सिर्फ एक ये डिफरेंस है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए फार्मिंग एग्रीमेंट्स के लिए जो एक्ट है उसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है दैट कैन बी रिमूव्ड बाय ऑर्डर्स एनी टाइम इन एनी टाइम. परंतु जो ये जो सेकंड एक्ट है इसमें कोई अगर कोई डिफिकल्टी आती है इम्प्लीमेंटेशन में देन द डिफिकल्टी कैन बी रिमूव्ड ओनली विद इन 3 years नॉट मोर देन दैट. तो ये दो एक्ट्स तो ये हैं जो फार्मिंग को और ट्रेडिंग को डील करते हैं. ये ऐसे नहीं है कि भाई दीज आर मैंडेटरी, ये एक जो ऑलरेडी जो सिस्टम चला हुआ है उसके एडिशनल में है. अगर किसी भी फार्मर को लगता है कि भाई ही वांट्स टू ऑप्ट फॉर द सिस्टम वो इनको ऑप्ट कर सकता है या जो सिस्टम चल रहा है एपीएमसी जैसे वो फसल उगा रहा है अपनी वो अपनी फसल उगा सकता है यू कैन कल्टिवेट अपने आप ही कर सकता है. अगर उसको लगता है कि भाई अगर वो एक चेक करना चाहता है एक्सपेरिमेंट करना चाहता है अगर फार्मिंग एग्रीमेंट करना चाहते हैं वो एक सीजन के लिए कर सकता है एक साल के लिए कर सकता है देख सकता है उसको बेनिफिट है कि नहीं है. तो इसमें मैंडेट कंपलसरी नहीं है इट इज ऑप्शन ऑफ द फार्मर ये भी वट एवर सिस्टम ही वांट्स टू चूज उसके पास सारे ऑप्शंस ओपन है. थर्ड जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट बाय दिस एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इसमें सेक्शन 3(1)(a) इंसर्ट किया गया. पहले क्या था क्योंकि सेक्शन 3 में गवर्नमेंट ने स्टॉक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी अंडर सेक्शन 3 एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद कोई भी प्राइवेट या फार्मर या प्रोड्यूसर या ट्रेडर स्टॉक नहीं रख सकता था. उस इवेंचुअलिटी में यह था कि भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नेग्लिजिबल के बराबर थी. किसी व्यक्ति की अगर कैपेसिटी 1,000 टन स्टोर करने की है या 10,000 टन स्टोर करने की है परंतु रिस्ट्रिक्शन 100 टन की है तो वो 100 टन का ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता था. तो इन दोनों एक्ट्स की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोल्ड स्टोरेज के तौर पे या वेयर हाउसिंग के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन के या रेफ्रिजरेशन ट्रक्स के तौर पे इन्वेस्टमेंट आए इसलिए ये था कि भी ये क्लॉज हटाया जाए. और इसको मद्देनजर रखते हुए ये सेक्शन 3(1)(a) इंसर्ट किया गया है कि गवर्नमेंट विल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी
स्टॉक्स के ऊपर, ट्रेडर के ऊपर, फार्मर के ऊपर, एक्सपोर्टर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी लिमिट तक स्टॉक रख सकता है। पर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन का एक अपने पास रखा हुआ है एक स्टेप की इनकेस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस से वॉर और फैमिन, तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन और गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड कंट्रोल द प्राइसेस। इसमें एक और एग्जांपल दी गई है कि भी इन केस ऑफ हॉर्टिकल्चर अगर 100% इंक्रीज हो जाती है प्राइसेस तो देन गवर्नमेंट कैन पुट द रिस्ट्रिक्शंस, या नॉन पेरिशेबल फूड फार्मिंग प्रोड्यूस है इन दैट अगर 50% इंक्रीज हो जाते हैं रिटेल प्राइसेस तो गवर्नमेंट कैन इंटरवीन। जैसे अभी प्याज में अनियंस में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाली है होलसेलर्स के लिए 25 टन और रिटेलर के लिए 2 टन की रिस्ट्रिक्शन डाली है टू कीप दी टू कीप रेट्स लो। तो इसी के साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उदित जी का। आई होप कि मैंने तीनों एक्ट्स के बारे में आपको जो बताया मैं सक्सेसफुल हुआ आपने इस जॉब में। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई एम रेडी फॉर द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही सरल शब्दों में इस एक्ट को अच्छे से बताया और ये भी सभी को जानकारी थी कि इन दोनों एक्ट्स में जो मेन सेलियंट फीचर्स हैं वो यही है कि फार्मर और स्पॉन्सर या प्रोड्यूसर परचेजर both can enter into an agreement by a mutual consent. So there is no, when there is a mutual consent, I think there is no embargo on the farmer ki wo bina kisi consent ke agreement kar lega. Saath hi saath conciliation ek dispute settlement ka madhyam pehle hi bata diya gaya aur ye bhi bata diya gaya ki each party can appoint their own representative for conciliation. So even if the farmer is not equipped with conciliation and not knowledgeable enough and he can appoint someone, isse private investment ko bhi badhava milega agriculture sector mein aur ek alternative market jo hai wo khadi hogi farming sector ke liye. Jo time limit is act mein define kari gayi hai to settle the dispute, to decide the dispute, that is also a very nice feature in the act. और सबसे महत्वपूर्ण कि लैंड पर किसी भी तरह की कोई एनकम्परेंस नहीं होगी इन इन टर्म्स ऑफ दीज एग्रीमेंट्स, फार्मिंग एग्रीमेंट्स, एंड दैट टू सेक्शन 15 क्लैरिफाइज, जैसा कि आपने बताया कि सेक्शन 15 की वजह से फार्मर्स की लैंड पर कोई भी लैंड रेवेन्यू या किसी भी तरह की प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगी। सिविल कोर्ट को जैसे कि ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रखा गया है, वैसे ही एसडीएम को 30 डेज के अंदर अंदर उस डिस्प्यूट को डिसाइड करने की भी पावर दी गई है अगर कंसीलिएशन एफर्ट्स फेल होते हैं तो। अब मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे व्यूअर्स के आए हैं मैं एक एक करके उन्हें ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड हैं तो मैं उन्हें नहीं लूंगा। The first question is, if something happens to the agriculture produce due to rain and flood, then what will happen? इसमें सर एक फोर मेजर का क्लॉज दिया गया है एक्ट में स्पेसिफिकली कि भी इन केस ऑफ फोर मेजर ये क्लाइमेटी आ जाती है जैसे लक्टस का अटैक आ जाता है, आग लग जाती है, इन दैट इवेंचुअलिटी द फार्मर नो रिकवरी कैन बी पास्ड अगेंस्ट देन फार्मर। तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है एक्ट के अंदर कि नो रिकवरी, उस इवेंचुअलिटी में कोई रिकवरी नहीं होगी इवन इफ द फार्म सर्विस प्रोवाइडर ने कोई सर्विसेज दी हैं या कोई खर्चा किया है, फार्मर को एडवांस भी दिया है, तो दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम द फार्मर। तो उसमें फोर मेजर का क्लॉज है एक्ट में, तो नो रिकवरी ऑर्डर कैन बी पास, तो फार्मर्स का दैट हैज बीन सेव। और एक इंश्योरेंस का प्रोविजन भी है इन केस the farmer wants, in case the crop is insured, so insurance pay karegi, par four measure ka clause hai iske andar, so no recovery order can be passed against the farmer. Thank you, sir. Next question is, if sponsor denies taking the produce
ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस देन व्हाट, एंड इसका सेकंड पार्ट भी है, एंड इफ द क्वालिटी ऑफ सीड इज नॉट गुड एज सप्लाइड बाय द स्पॉन्सर हिमसेल्फ। अगर तो सीड की क्वालिटी ही डिफेक्टिव है, तो जैसे कि एक्ट में मैंने आपको बताया उसमें कि भी इट हैज टू बी सर्टिफाइड एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन। अगर कल्टीवेशन के टाइम में आपको पता चल गया कि भी सीड उस क्वालिटी की नहीं है जिस क्वालिटी की वो बता रहे हैं, तो इन दैट इवेंचुअली यू कैन सीक द डैमेजेस फ्रॉम द स्पॉन्सर। अगर किसी कारणवश वहाँ फार्मर, सपोज आपकी कल्टीवेशन तैयार हो गया, फार्मिंग प्रोड्यूस आपका तैयार हो गया, स्पॉन्सर मना कर देता है आपका फार्मिंग प्रोड्यूस खरीदने से ऑन द ग्राउंड ऑफ क्वालिटी, तो आप उसको फार्मिंग प्रोड्यूस को आप किसी दूसरे ट्रेडर को फार्म बाहर बेच सकते हैं, और इन केस जो डिफरेंस होगा, जो लॉस आपको होगा, यू कैन रिकवर इट फ्रॉम द स्पॉन्सर। एक बहुत ही जो चर्चित इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि वेदर द एप्रीहेंशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स दैट एमएसपी वुड बी डन अवे इन अ फेज्ड मैनर, इज इट ट्रू? डज द एक्ट टॉक्स अबाउट एमएसपी? ऐसे सर, इस एक्ट में एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है। एमएसपी का मैं आपको बताना चाहूंगा, एमएसपी 1965 में कमीशन ऑन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के बेसिस पे फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेट हुआ था। उसका एक प्रोसेस है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसको एक कमेटी गठित करती है, उसके बेसिस पे स्टेट से भी रिकमेंडेशन आती है, और देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू अकाउंट, उसके बेसिस पे एमएसपी फिक्स होती है और वो स्टेट्स को डायरेक्शन देते हैं कि भी ये एमएसपी है। आज की डेट में तकरीबन 23 क्रॉप्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी फिक्स करती है, पर गवर्नमेंट परचेज सारे क्रॉप्स को नहीं करती, मेजॉरिटी सिर्फ वीट और पैडी पे ही कंसंट्रेशन है गवर्नमेंट की। बहुत सी जो क्रॉप्स हैं उसकी ओपन मार्केट में एमएसपी फिक्स हो जाती है पर प्री परचेज नहीं करती। ये तो एक एप्रिहेंशन है, कल को, आज की डेट में तो एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, कल को क्या हो, तो ये तो मेरा जो दायरा था इस एक्ट के बारे में बताने का था, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता अभी कल को क्या होगा, पर इस एक्ट में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। अगर मिनिमम गारंटीड प्राइस जो इस एक्ट में दिया गया है सेक्शन 5 में, उसको हम, उसके कोई पैरामीटर्स भी इस एक्ट में डिफाइन है क्या? उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस फ्रेम करी है, उसमें कंप्लीट जो प्राइसिंग का जो मिनिमम गारंटीड प्राइस वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आप पिछला एवरेज लेके या अपने कॉस्ट प्राइस के साथ लेके, इसमें इट इज एज पर द कंसेंट ऑफ द फार्मर एंड द स्पॉन्सर। वो जो उनको लगे, मान लो फार्मर को लगता है कि भी मेरा इस फसल पे 5 रुपए खर्चा है, तो मिनिमम गारंटीड प्राइस वो 5 रुपए उसमें मेंशन कर सकते हैं, या 7 रुपए, 2 रुपए अपना प्रॉफिट लगा के मेंशन कर सकते हैं, प्लस वो 50% 60% ऑफ द मार्केट वैल्यू एट दैट, एट द टाइम व्हेन द फार्मिंग प्रोड्यूस इज रेडी, उस टाइम का वो उसमें ऐड कर सकते हैं। कि अगर बाय चांस मार्केट हाई, फार्म मार्केट हाई होती है, तो ही कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द मार्केट प्राइस ऑल्सो। अगर मार्केट में सपोज आपने 5 रुपए किया है, उसकी वैल्यू 2 रुपए एट द टाइम एंड द फार्मिंग प्रोड्यूसर्स डिलीवर्ड, तो आपको 5 रुपए ही मिलेगा। तो ये बाय बोथ द कंसेंट मिनिमम, आप जो आपको अच्छा लगे कंसेंट से, पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कुछ भी उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कर्नल जतिंदर सिंह जी, वो पूछते हैं कि अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्रैशेस इन द मार्केट and the sponsor does not pick the agriculture produce, then how the farmer can enforce the contract and recover the contract? usme agar prices crash kar jate hain, even if suppose he has to, the farmer has to throw the crop on the, jaise ki hota hai ki kai bar aalu hai, potato hai, sadkon pe fek diye jate hain, koi khareedar milta nahi hai, but agar sponsor ke sath agreement kiya hai and the sponsor fails to after the prices are crashed and he fails to take the delivery of the goods, then farmer has the right to recover the amount or recover the loss suffered by him. The sponsor is bound by the agreement, jo penal clause hai. Agar wo SDM ke paas jayenge, SDM order, then SDM has the powers to pass the order of recovery plus interest
as well as the penalty up to 150%. Thanks, sir. अगला क्वेश्चन पूछते हैं जगरूप सिंह, वो कहते हैं कि क्या पंजाब का किसान राजस्थान, गुजरात यानी किसी भी दूसरे राज्य में अपनी फसल बेच सकता है? बेच सकते हैं जी, इस जो ट्रेडिंग एक्ट है इसमें यही दिया गया है कि भी कोई भी फार्मर पहले कहीं पे भी किसी भी स्टेट में इंटरस्टेट कहीं पे भी बेच सकता है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगला क्वेश्चन है बाय श्री गौरव जी, गौरव जी कहते हैं कि हाउ द प्रेजेंट फार्म एक्ट इज बेनिफिशियल टू फार्मर्स देन द प्रीवियस एपीएमसी एक्ट एस्पेशली विद रिगार्ड टू एमएसपी। इसमें सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भी इन केस बहुत सी क्रॉप्स ऐसी हैं, अगर हम प्रोडक्शन देखें हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारे जो क्वालिटी ऑफ सीड्स है या टेक्नोलॉजी है वो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है हमारी, तो ये जो एक्ट्स आए हैं ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निकल फॉर्म की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन है एक, ताकि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए और टेक्निकल इसमें नई नई टेक्नोलॉजी आए। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एक चार्ट बना हुआ है कि भी उसमें कंपैरिजन दिया गया है कई कंट्रीज का कि भी हम कहाँ स्टैंड करते हैं वीट राइस मेज शुगर केन में, उसमें हम चाइना जापान इंडोनेशिया हमसे वो डबल या थ्री टाइम्स की आउटपुट है हमारे वीट में पैडी में शुगर केन में। तो जब नहीं आज की डेट में सीड्स में कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसमें इतना इन्वेस्टमेंट या नहीं हो पा रहा है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है, तो हो सकता है कल को प्राइवेट टेक्नोलॉजी आएगी, इंसेंटिव्स यहाँ पे दिए जाएंगे, तो हो सकता है हमारी भी जो आउटपुट आज जो एक कम वर्ल्ड उस पर नहीं है तो वर्ल्ड पैरामीटर्स पे आ जाए तो हम भी कम्पीट करने के फॉरेन फार्मर्स से। गवर्नमेंट कितने प्रोडक्ट्स पे एमएसपी फिक्स करके प्रोड्यूस को उठाती है? सर आज की डेट में एमएसपी फिक्स होती गवर्नमेंट फिक्स करती है 23 क्रॉप्स पे। उसके अलावा तो ओपन मार्केट में ही बिकती हैं सारी, उसमें कोई जो दैट इज एज पर द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं, अगर डिमांड कम है तो प्राइसेस क्रैश कर जाते हैं। रेस्ट ऑफ द क्रॉप्स ओनली 23 क्रॉप्स की एमएसपी फिक्स करती है गवर्नमेंट, बाकी ऑल द क्रॉप्स आर सोल्ड। सर हमारी व्यूअर है रंजीता मैडम, वो पूछते हैं एज आई अंडरस्टूड मिनिमम प्राइस कैन बी डिफर फ्रॉम गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस, कैन इट बी लेस और मोर देन? रिपीट करना सर। As I understood, minimum price can be differed for from government fixed price. Minimum price मतलब जो हमने act में जैसे देखा कि minimum वो price that can differ. Minimum price is as per the convenience. उसमें आप minimum price fix कर सकते हैं and attach it with the market price also. आप suppose आपने 10 रुपीज किया है एंड मार्केट प्राइस में ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी इज 20 रुपीज, आप उसका 10% 20% 50% एज पर योर कन्वीनियंस और कंसेंट आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग, दोस कैन वेरी। आप एपीएमसी आप एग्रीमेंट में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट रेट फिक्स करेगी हम उसी पे बेचेंगे उसी पे खरीदेंगे, यू कैन मेक दिस आल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। थैंक यू सर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ स्पोंसर हैव एन एग्रीमेंट विद फार्मर for a product below MSP? Sorry, ये already answered it. Do you think farmers know about conciliation? The farmers know about conciliation क्योंकि पंचायती सिस्टम तो हमेशा रहा है गांव में, फार्मर्स में पंचायत सिस्टम तो है ही है। कंसिलेशन क्या है? एक समझौता कराना है बिटवीन पार्टीज, वो स्पॉन्सर और फार्मर अपनी रिप्रेजेंटेटिव हो नॉमिनेट करेंगे वो फैसला करेंगे, तो फार्मर्स नो अबाउट द कंसल्टेशन प्रोसेस, ये नया कंसेप्ट नहीं, सिर्फ नाम इंग्लिश है इसलिए लगता है कि भी एक लाइन है, अदरवाइज फार्मर्स नो अबाउट द कंसल्टेशन। हमारा एक क्वेश्चन आया है कि एसडीएम इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, विल द फार्मर्स ट्रस्ट हिम एज देयर इज अ लॉट ऑफ पार्टी फ्रिक्शन इन विलेजेस, व्हाई द एडवोकेट्स हैव बीन केप्ट आउट टू रिप्रेजेंट द कॉज ऑफ फार्मर्स? एडवोकेट्स है जब अपील एसडीएम के पास कलेक्टर के पास जाएगी वहां पे द अपील कैन बी फाइल थ्रू एन एडवोकेट अंडर द फर्स्ट एक्ट। सेकंड एक्ट में जो ट्रेडिंग एक्ट है उसमें एसडीएम के पास भी
कलेक्टर के पास भी दी एडवोकेट कैन अपीयर. सिर्फ जो फार्मिंग एग्रीमेंट्स के रिगार्डिंग है उसमें एडवोकेट्स बाहर है, बट एज ए रिप्रेजेंटेटिव एनीबडी कैन अपीयर. फार्मर कैन अपीयर थ्रू पर्सन और थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो, बिफोर द कलेक्टर थ्रू एन एडवोकेट. इन द सेकेंड एक्ट जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग एक्ट है, उसमें इवन बिफोर द एसडीएम एज वेल एज बिफोर द कलेक्टर द एडवोकेट्स कैन अपीयर. द एप्लीकेशन बिफोर द एसडीएम एज वेल एज द अपील बिफोर द कलेक्टर कैन बी फाइल थ्रू एन एडवोकेट. धन्यवाद सर. आज यही क्वेश्चन हमारे बीच आए थे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एक्ट को इतनी सरलता के साथ समझाने के लिए. मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स को इन फार्मर्स एक्ट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो आज इस लेक्चर के थ्रू मिली होगी. अगर फिर भी हमारे कुछ व्यूअर्स का कोई क्वेरीज हो तो YouTube और Facebook पे वीडियो के नीचे कमेंट डाल दें ताकि हम उस प्रश्न के आपको जवाब दे सकें. मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे साथ जुड़े इस अहम मुद्दे पर जो आजकल बहुत ही चर्चा में है. साथ ही साथ मैं अशोक जी का और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस लेक्चर को ऑर्गेनाइज करवाने में मेहनत करी और आज ये लेक्चर डिलीवर करवाया, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ. अधिवक्ता परिषद टीम का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि इस लेक्चर को हम प्रेजेंट कर सकें. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. धन्यवाद. धन्यवाद. थैंक यू.